नमस्कार दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कागजंगा कल्प के बारे में। तो पूसे नक्षत्र में दोस्तों मूल और अग्रभाग समेत आपको कागजंगा को भली भांति रूप से उखाड़ करके ला लेना है और छाया में से सुखा करके एकदम बारीक से पीछे मतलब चूर्ण बना लेना है और उसका चूर्ण को मिश्री और जो सरपुंखा है उसके मूल के साथ घी मिला करके आपको सेवन करना है। तो ऐसा करने से जैसे 6 माह तक अपन प्रयोग करते हैं तो इससे अस्त्र शस्त्र का जो निवारण हो जाता है दोस्तों और देह है जो वज्र के समान हो जाता है, जैसे कि कोई आपको अस्त्र शस्त्र से मारेगा तो वह टूट जाता है, ठीक है। और दूध के साथ उसका चूर्ण पीने से वज्र के समान आपका देह हो जाता है दोस्तों। और जो मंडल का जो सेवन करता है वह वृद्ध जो है रहता है वह युवक है समान हो जाता है दोस्तों। और जब तक मल मूत्र अवरुद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको इसे भक्षण करना है और उसका जो चूर्ण है उसे ईश्वरीय मूल को गोघृत के साथ मतलब गाय के घृत के साथ वेष्टित करना है और वेष्टित करके पाद में लेप करने से मनुष्य एक दिन में ही दिव्य हो जाता है दोस्तों। वहीं जैसे कि दोस्तों वज्र के समान शरीरधारी होकर दूसरे सिद्ध के समान मतलब सिद्ध जो पुरुष है उसके समान दिखलाई पड़ता है दोस्तों। और जो कागजंगा के जो मतलब कागजंगा के जो रस है उससे भावित होकर जैसे तो ईश्वरी मूल को मतलब वर्ण को नष्ट करता है दोस्तों, उससे भावित करते हैं तो ईश्वरी मूल वर्ण को नष्ट करता है, ठीक है। और जो कागजंगा है उसके मूल भिंगराज और आंवला का रस इन्हें तिल के तेल में पकाना है और तेल लेप में प्रशंसनीय है दोस्तों यह। कागजंगा के जो मूल है उसे उखाड़ करके भेड़ा के रक्त में डाल देना है और उसका मर्दन करना है और उस रुधिर से एक सूत्र को लिप्त करना है और उसी सूत्र को हाथ में बांध लेना है और शीघ्र ही जो है उसे बांधते ही आपको ज्वर जो है बुखार जो है उससे मुक्ति मिल जाता है दोस्तों और अधिक सुख की प्राप्ति होता है। उसका मूल मतलब उष्णोदक से पान करने से शीघ्र ही वीर्य का स्तंभन होता है और वहीं मतलब वह है जैसे कि घी है उससे पीने से उदर के जो रोग है वह नष्ट हो जाता है। और जो सिद्ध जल है शीतल जो जल है उसके और मधु के साथ पीने से वमन का नाश होता है दोस्तों। दूध से मतलब दूध के साथ पीने से रक्त स्राव निश्चित रुक जाता है और कान में उसका मूल बांधने से आँख के रोग का नष्ट होता है दोस्तों। गुड़ और मट्ठा के साथ पान करने से मूत्र कृष्ट को नष्ट करते हैं दोस्तों और भैंस के दूध से पीने से क्षय रोग का नाश हो जाता है। उसके मूल को एक रंग की गाय के दूध से जैसे मतलब एक ही रंग के होना चाहिए जो गाय है वह उसके मूल को एक रंग के गाय के दूध से ऋतु स्नान करके पीने से बंध्या स्त्री भी जो है पुत्र उत्पन्न करता है दोस्तों। और स्वर्ण के साथ हाथ में धारण करने से शस्त्र स्तंभन होता है, ठीक है। सिर पर धारण करने से हमेशा जो है पीड़ा की शांति होती है दोस्तों। और उसके पत्तों को पीस पर के बार बार मतलब एक सप्ताह लेप करने से खल्लाट की जो केस है उसे पूर्ण कपाल वाला हो जाता है। शमशान की भस्म से नील वस्त्र में बांध करके शत्रु के घर में छोड़ने से उच्चाटन होता है। कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में खाने से वृद्धि होती है, ठीक है। और रेति नक्षत्र में खाने से सब प्रकार के जो सिद्धि है वह मिलता है। और जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इसका पंचांग का मस्तक पर धारण करना है और इससे साह व्यवहार करने से विजय की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। वीडियो पसंद आए कि वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।